कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान में महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा चलाया जा रहा है, इसके बावजूद लोग सबक लेने को तैयार ही नहीं है। जोधपुर के कांकेलाव गांव में एक शादी में 100 से ज्यादा लोग शादी में शामिल हुए। मामले में प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया। का दूसरा भाग एक तरह से भी चल रहा है, जिसमें गाइडलाइंस में और सख्ती बढ़ाई गई है और शादी संबंधित जो गाइडलाइंस है उसकी अवहेलना पे 1,00,000 तक का जुर्माना है। इस संदर्भ में कल ACP मंडोर और SHO डांगियावास के द्वारा काकेलाव गांव में एक शादी समारोह जहां सही गाइडलाइंस की पालना नहीं हो रही थी वहां पे 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। जिले में ये पहला मामला है जब किसी पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। राजस्थान में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी की गई है। इस गाइडलाइन के अनुसार शादी में 31 मेहमानों को ही शामिल होने की इजाजत है। इसके बावजूद कांकेलाव गांव की इस शादी में 100 से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस शादी में ना तो लोग मास्क लगाए नजर आए और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। कोरोना गाइडलाइन का पालन न करने पर शादी में 1,00,000 का चालान भी काटा गया। वहीं राजस्थान पुलिस के अनुसार 1,00,000 रुपए की राशि जमा नहीं कराने पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। इसमें आरोपी की गिरफ्तारी भी की जाती है, साथ ही इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। जोधपुर में अभी तक अधिकांश मामलों में 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया जा रहा था। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या राय, हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।